हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगट कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे YouTube चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो YouTube चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। अभी रुक जा थोड़ा। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझें, बहन को बहन समझें और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें। कभी भी किसी के साथ में धोखा और उनको सताने की कोशिश कभी ना करें। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के ऊपर किसी ने दुश्मन ने शत्रु ने तांत्रिक ने या कोई नुंगरा आदमी ने अगर किसी आदमी को परेशान करने के लिए उसके ऊपर मोट क्रिया कर दी है तो मोट क्रिया को निकालने के लिए उसको हटाने के लिए उसको दूर करने के लिए कौन से मंत्र को सिद्ध करने के बाद में किसी के ऊपर अगर मोट क्रिया चला दी है तो उस मोट क्रिया को आप घर बैठे स्वयं हटा सकते हो। पहले जो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का आपको रेगुलर कम से कम एक महीने तक अगर इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें। सिद्ध करने की विधि है, इसको कभी भी अमावस्या तिथि से शुरू करना है। रोज रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक घंटा इसका जप करना है। सामने सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है। ये आप घर पे भी सिद्ध कर सकते हो, खेत में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो।
तो अब मैं पहले मंत्र बता दें, एक महीने के अंदर आपका ये मंत्र पूर्ण तरह से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब किसी के ऊपर आपको मालूम पड़ता है कि मुट क्रिया होई हुई है, मुट क्रिया के क्या लक्षण होते हैं पहले वो ध्यान से आप समझ लें। मुट क्रिया के लक्षण होते हैं कि पूरे शरीर में केल की तरह चुभना, जॉइंट रुक जाना, हमेशा जीव घबराना, किसी काम में मन नहीं लगना और आधा माथा हमेशा दुखते रहना, लेफ्ट राइट हैंड का पेट हमेशा दुखता रहता है, जॉइंट जॉइंट में दर्द रहता है, जगह जगह पर कीले ठोकने का एहसास होता रहता है और रोटी खाना अंदर जाता नहीं है, जाता है तो बस आता है और आदमी का शरीर धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ये होता है मुट क्रिया के लक्षण। जब आदमी का मुट क्रिया का टाइम पूरा हो जाता है वो आदमी मर जाता है। तो अब मैं बताता हूं, इसको एक महीने की सिद्धि है, रोज रात को एक घंटे तक जप करना है, कोई माला वाला नहीं लेना है, कोई भी कपड़े पहन सकते हो, सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक चलाना है और इस मंत्र का आपको जप करना है। एक महीने के अंदर ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर इसका प्रयोग कैसे करना है कि अगर किसी के ऊपर ऐसे लक्षण है तो उस आदमी को बिठा करके पांच पान, पांच इत्र, पांच सिगरेट लेकर कोई भी काले कपड़े में बांध करके और उस मरीज के ऊपर इस मंत्र को 21 बार पढ़ते रहें और पांच पान, पांच सिगरेट, पांच इत्र के शीशे और काला कपड़ा की गांठ बनाकर मरीज के ऊपर उतारा उतारते रहें और 21 बार जब तक मंत्र ना जप करें तब तक उतारा चालू रखें। पूरा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 दिन तक रेगुलर करें, कम प्रॉब्लम है तो एक बार में खल्लास हो जाएगा। फिर उस उतारे को कहीं तिराहे या चौराहे पर आप रख कर आ सकते हो। आते जाते वक्त किसी से बात ना करें और उतारा रखने के बाद में पीछे मुड़कर कभी ना देखे और जब उतारा लेकर आप जाते हो तो उस समय मरीज को बोल देवे कि आप स्नान कर लेंगे। अब बताता हूँ मैं मंत्र, ध्यान से सुनना, ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सुनना ध्यान से मंत्र। लेकिन उसके बाद में पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे नाम से यानी ओगड़ कालू राम जी के नाम से बहुत लोग ठगाई पना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से, ठगने वालों लोगों से हमेशा बच कर रहें। दूसरी बात, कोई भी कहीं भी अगर आप जाते हो, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक आईडी पर या इंस्टाग्राम आईडी पर, मेरे आश्रम की पूरी नकल करके वो अपने इलाके में जाकर और मेरे आश्रम की पूरी नकल की तरह नकल करके आश्रम बनाकर नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाकर वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मेरे एक दो चेले ऐसे नुंगरे हो चुके हैं जो एक साल पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं और वो एक साल में पूरा हमारा आश्रम का रीति रिवाज, अनुशासन जो भी है, क्रिया विधि विधान कैसे हम करते हैं, कैसे आरती करते हैं, पूरा उसको याद करके और अपने इलाके में जाकर एक छोटा सा आश्रम बनाकर और नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाकर वो दुनिया को ठग रहे हैं। बहुत लोगों से, किसी से लाख रुपए ठग लिए, किसी से 50,000 रुपए ठग लिए, तो ऐसे लुटेरों से हमेशा सावधान रहें जो हमारे आश्रम के नकल कर रहे हैं। वो नकली ओगड़ अघोरी है, क्योंकि ओगोर पंथ का नाम वो बदनाम कर रहे हैं। हरिओम। अब सुनिए मंत्र। मंत्र है ओम काली काली, ओम काली कंकाली महाकाली। ध्यान से सुनिए मंत्र को, मंत्र है, ध्यान से सुनिए। काली काली ब्रह्मा की साड़ी, काली काली ब्रह्मा की साड़ी, काली काडे कालजा, गोरी काडे मूठ, हथेली हनुमंत धरू, नसंग राखू फूट,
ईश्वर कुची ब्रह्म का ताला ई घट पिंड का रक्षा राजा रामचंद्र जी हनुमंत रखवाला ना रुखवाले तो माता अंजनी का दूध पिया हराम करे। आदेश आदेश आदेश। मंत्र एक बार वापस सुन लीजिए। काली काली ब्रह्मा की साड़ी, काली काली ब्रह्मा की साड़ी, काली काडे कालजा गोरी खाडे मोट, हथेली हनुमंत धरु नसंग राखू फूट, ईश्वर कुची ब्रह्म का ताला ई घटपिंड का रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान रुखाड़ा ना रुखाड़े तो माता अंजनी का दूध पिया हराम करे। इस मंत्र को आप सिद्ध करके घर बैठे मोठ निकाल सकते हो। हरिओम। आदेश।